प्रदेश सरकार दिव्यांगों को बेहतर सुविधा मुहैया कराने के लाख दावे कर ले, लेकिन प्रदेश सरकार में सरकारी योजनाएं भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। जनपद गाजीपुर में भ्रष्टाचार का आलम यह है कि विभागीय कर्मचारियों ने दिव्यांग चंद्रमा राम को 2 साल पहले ही मृत घोषित कर दिया। पूरा मामला मोहम्मदाबाद के भावरकोल का है, जहाँ दिव्यांग को न पेंशन मिल रही है न ही उसके हिस्से का राशन। चल न सकने के बावजूद दिव्यांग चंद्रमा राम खुद को जिंदा साबित करने के लिए सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर हैं। जिला मुख्यालय से तकरीबन 35 किलोमीटर दूर महेश्वरी द्वितीय का नकटिकोला गांव, जहां के रहने वाले दिव्यांग चंद्रमा राम दोनों पैरों से चल नहीं सकते और एक हाथ से दिव्यांग है। वहीं उनकी पत्नी एक आंख से देख नहीं सकती, लेकिन भ्रष्टाचार का खेल ऐसा ही दिव्यांग को मृत घोषित कर दिया। दिव्यांग पेंशन योजना का लाभ चंद्रमा राम को सन 2008 से मिला, लेकिन 2017 में उन्हें मृत घोषित करते हुए मिलने वाले दिव्यांग पेंशन बंद कर दी गई। इस बात की जानकारी 2017 में तब हुई जब चंद्रमा राम के खाते में 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई पेंशन नहीं आई। परेशान चंद्रमा राम ने ब्लॉक के संबंधित अधिकारियों को जानकारी दी, लेकिन निराशा हाथ लगी। अब वह दिव्यांग दंपत्ति अपने हक के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर काट रहे हैं। हम लोग रेशन कार्ड और दूसरा पेंशन दोनों को अभी तत्काल देखा जाएगा, और जो इसमें जिम्मेदार है, जिनकी लापरवाही से ऐसी कार्य हुआ है, उनके खिलाफ जरूर कार्रवाई होगी। तत्काल हम पेंशन के लिए चालू कराएंगे। हमने का दोनों आदमी विकलांग बनी जाए, हमन कहा था कि उसे के होगा ना, ना घर बना द्वार बना कोनो आमदनी बा। वो पेंशन सहारा रहा लो, पेंशन पता ना कैसे कुछ बंद हो गई बा। साल 2 साल से होकर हमने होने लगा, पता लगाऊंगी एक दिन वही गाजीपुर किसी तरह से। तो जब पता चलल कि मृत्यु घोषित कर गई बा, तो मर गई वाला पैसे से पेंशन नहीं मिला और कोनो आगे पीछे सहारा दूसरा कोनो बना न, खेती में बाजारी में कुछ हो। ये तो समस्या बन, घर बना द्वार बना देखे।